पनीर मंचूरियन बनाने के लिए देखिए, हमने 200 ग्राम पनीर ली है और इसको इस तरह से काट लिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। चार चम्मच मैदा डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार इसको मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसमें लम्स खत्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और इसको मिला लेंगे और इस तरह से इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे और इस तरह से हम लगा करके इसके ऊपर से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए पनीर हमारे कोट हो गए हैं और देखिए ऑयल भी हमारा हीट हो गया है। गैस को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे और एक एक करके इसको हम इसमें डालेंगे। देखिए हमारा पनीर फ्राई हो गया है, इसको हम पलट देंगे। देखिए पनीर हमारा फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। उसी पैन में हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। 1 चम्मच लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च। देखिए लहसुन हमारा भुन गया है। तो इसमें थोड़ा सा टमाटर है जिसका हम बीज निकाल दिए हैं वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। थोड़ा नमक इसमें डाल देंगे और 2 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे इसको। 2 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। एक चम्मच सोया सॉस। गैस को एकदम लो कर देंगे, इसको मिला लेंगे। ये डार्क सोया सॉस है। 1 चम्मच हम इसमें सेजवान सॉस डाल रहे हैं। आप चाहे तो चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर मिर्च पसंद हो। और अब हम इसमें पनीर डालेंगे। गैस को हमने मीडियम कर दिया, एकदम लो कर दिया है। तो थोड़ी सी हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के उसकी सैलरी बना लेंगे। ये देखिए हम कॉर्नफ्लोर की सैलरी बना ली है, आधे कटोरी। 1 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो पनीर वाला पानी जो बचा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। और 2 मिनट इसको हम पकने देंगे हल्का सा। देखिए हमारा पनीर मंचूरियन तैयार है। आप पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको सूखा चाहिए तो आप सूखा भी बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे। चलिए इसको सर्व करते हैं। देखिए हमारा पनीर मंचूरियन तैयार है। पार्ट 2 में हम फ्राइड राइस बनाएंगे, तो आप दोनों को एक संग सर्व कर सकते हैं।